कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम करने वाले हैं ग्रेविटेशन में सेकंड लेक्चर करने वाले हैं। इससे पहले आप एक लेक्चर देखे होंगे, तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। चलो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो मैं कैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, करते कैसे हैं, आपको एक आइडिया मिलेगा यार। कहता है रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ टू सेटेलाइट, दो सेटेलाइट है जिनकी ऑर्बिट अलग अलग है। जब कभी भी आर्बिट बोलेगा तो ये बात तुम हमेशा ध्यान देना, ठीक है। बच्चे इसमें क्या होता है, जब भी क्वेश्चन आता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर आर्बिट या कहाँ से हाइट लूँ, अर्थ के सेंटर से लूँ कि कहाँ से लूँ। ये अर्थ है और इसके अराउंड सेटेलाइट है, ठीक है। अब आर्बिट का मतलब होता है ये सेंटर से इसकी ये वाली हाइट, ये कंसिडर करना, ठीक है। बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, सर यहाँ से ऊपर लूँ कि ये हाइट जोड़ूँ, ठीक है। तो ये आर्बिट, टू सर्कुलर आर्बिट, ये पूरा 4R है आर्बिट, ये पूरा दैट इज आर्बिट, ठीक है। और एक दूसरा सेटेलाइट है जिसकी आर्बिट आर है, ठीक है, दैट इज आर, दैट इज वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, ठीक है। रिस्पेक्ट इफ द स्पीड ऑफ सेटेलाइट ए इज 3V, जो ये सेटेलाइट है उसकी जो स्पीड है इधर की डायरेक्शन में मान लो वो 3V के इक्वल है, तो स्पीड ऑफ बी वाले सेटेलाइट की कितनी स्पीड होगी। आर्बिटल स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। आर्बिटल स्पीड का आपको फार्मूला याद होना चाहिए इसको करने के लिए, ठीक है। अगर आपको आर्बिटल स्पीड का फार्मूला याद नहीं है तो आप उसको ग्रेविटेशन को सेंट्रिपिटल फोर्स से कंपेयर करके करोगे तो वो एक लेंथी मेथड हो गया ना, फिर से डेरिवेशन हो गया। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें फार्मूला याद है, हम रट के आए हैं, ठीक है, कि ऑर्बिटल स्पीड जो होता है वो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सेटेलाइट जो होता है, ऑर्बिटल स्पीड वो होता है जीएम ओवर रेडियस ऑर्बिट, जीएम ओवर आर क्या है, ऑर्बिट। अब ये कहता है कि ऑर्बिटल स्पीड पहले वाले की 3V है, तो यहां से मुझे ऑर्बिटल स्पीड जो मिलेगा वो अंडर रूट ऑर्बिट का ये मिल गया, क्योंकि जी जो है वो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, एम अर्थ का मास है। इसका मतलब ये हुआ कि आर्बिटल स्पीड ए का, ठीक है, किसका पूछा है, देन द आर्बिटल स्पीड ऑफ बी, तो आर्बिटल स्पीड बी का पहले लिख लेते हैं आर बी से, आर्बिटल स्पीड बी, आर्बिटल स्पीड ए और रेडियस ऑफ ए और आर्बिट ऑफ बी, आर्बिट ऑफ ए, ठीक है, आर्बिट ऑफ ए इज इक्वल टू 4R है और आर्बिट ऑफ बी इज इक्वल टू आर है, मतलब ये आ जाएगा 2R, ठीक है। आर ने आर को खत्म कर दिया, मतलब ये आ जाएगा 2, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, अगर 2 आ गया आर्बिट हम लोग का आ गया 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्बिटल स्पीड अभी 2 टाइम्स ऑफ ए, तो ए का कितना था 3V था, तो इसका 6V, मतलब हम लोग का जो है वो बी ऑप्शन सही है, दैट बी वन इज द करेक्ट, ठीक है ना, बी ऑप्शन हम लोग का सही है, ठीक है, क्लियर है। चलो बी क्लियर है। ये इसमें क्या है कि देखो कुछ नहीं है, ऑर्बिटल स्पीड का कॉन्सेप्ट है, ऑर्बिटल स्पीड सेटेलाइट का उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, उसके हाइट पे डिपेंड करता है और ये सारी चीज़ें, ठीक है, और साथ साथ उस प्लेनेट की मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो